हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल क्लास क्लास यू के जी सब्जेक्ट मैथ्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा राइट द मिसिंग नंबर 81 to 100। लास्ट वीडियो में हमने 80 तक नंबर राइट एंड लर्न किए थे, आज हम 81 to 100 नंबर्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर से हमारा 81। 81 के बाद क्या आता है, यहाँ पे 2 कॉलम ब्लैंक है, तो आपको 81 के बाद जो नंबर्स आते हैं वो आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके, 81 के बाद क्या आता है, 82। नेक्स्ट नंबर 83, 84 यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, 2 कॉलम ब्लैंक है, आपको 84 के बाद नंबर लिखना है। तो 84 के बाद क्या आएगा यहाँ पे, 85। नेक्स्ट नंबर इज 85, 85 के बाद आएगा नेक्स्ट नंबर 86। ओके, देन 87 यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 कॉलम ब्लैंक है, तो आपको 87 के बाद जो नंबर्स आएंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। 87 के बाद आएगा 88। स्टूडेंट्स, आपको अगर काउंटिंग अच्छे से लर्न होगी तो आप नंबर्स अच्छे से लिख सकोगे, इसलिए आपको काउंटिंग अच्छे से लर्न करना है। ओके, 88 के बाद यहाँ पे कॉलम ब्लैंक है, तो आपको 88 के बाद क्या आएगा, 88 के बाद आएगा यहाँ पे 89, 89 के बाद क्या आता है, 90। ओके, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट लाइन है हमारी 91 की लाइन है, और इस लाइन में जो ब्लैंक कॉलम दे रखे हैं आपको 91 के बाद काउंटिंग बोलते जाना है, और इसमें नंबर्स जो नंबर आएंगे यहाँ पे वो आपको लिखना है। जैसे 91 के बाद हम बोलते हैं 92 आ रहा है, तो आपको इस कॉलम में क्या लिखना है, 92, 91, 92, 93, 93 के बाद क्या आएगा, 94, है ना, 91, 92, 93, 94, 95 के बाद क्या आएगा, 96, 97 के बाद यहाँ पे कॉलम ब्लैंक है, तो 97 के बाद आएगा यहाँ पे 98, 99, और यहाँ पे आएगा 100। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट्स कम्स बिफोर। बिफोर का मीन्स होता है पहले आने वाले जो नंबर होते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है बिफोर। ओके, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नंबर है हमारा 83 लिखा है, तो आपको 83 के पहले क्या आएगा, तो 83 की नंबर्स हम लिख रहे हैं, तो 83 जो है कौन से नंबर में आता है, 81 की लाइन में आते हैं, तो हमको 81 की लाइन बोलना है, और जहाँ पे 83 आता है उसको राइट करना है। ओके, जैसे हम 81 की लाइन बोलेंगे 81, 82, 83, तो 83 आया, तो 83 के पहले क्या आया था, 82, तो हमको 82 यहाँ पे लिखना है ऐसे ही, 83। ओके, 82, 83, ऐसे ही हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे 86 भी 81 की लाइन में ही आते हैं, तो हमको 81 की लाइन बोलना है, 81, 82, 83, 84, 85, 86। ओके, 86 आया, तो 86 के पहले क्या आया था, 85। ये 8 जो है ये नंबर हमारा चेंज नहीं होगा, तो 8 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो ये नेक्स्ट नंबर है ये चेंज हो जाएंगे, तो 5, 6 जो है 6 के पहले क्या आता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 85, 86। नेक्स्ट नंबर देखो क्या लिखा है, 95। अब 95 किस लाइन में आता है, 91 की लाइन में आता है, तो हमको 91 की लाइन बोलना पड़ेगी, तो हम 91 की लाइन बोलेंगे, 91, 92, 93, 94, 95। ओके, 95 आया, तो 9 तो हम ऐसा ही लिखेंगे। अब ये 5 लिखा है, नेक्स्ट नंबर 5 है यहाँ पे, तो हम 5 के पहले क्या आएगा, 4। ओके, 94, 95। नेक्स्ट नंबर देखो 98 लिखा है, तो 98 भी कौन सी लाइन में आ रहा है, 91 की लाइन में आ रहा है, तो 91 की लाइन आप बोल कर लिख सकते हो, तो हम 9 तो ऐसे ही लिखेंगे इजिली, और ये जो 8 है यहाँ पे इसके पहले वाली संख्या लिखनी पड़ेगी हमको, तो 8 के पहले क्या आता है, 7। ओके, आप इसको बोल के भी लिख सकते हैं, 91 की लाइन हम बोलेंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
ओके। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स कम्स आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में आने वाले नंबर्स। लेट अस स्टार्ट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर्स 86। 86 के लिए हमें 81 की लाइन बोलना है, तो हम 81 की लाइन बोलेंगे। 81, 82, 83, 84, 85, 86। 86 के बाद क्या आया? 87। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 87। अब नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे 88 लिखा है, तो 88 भी कौन सी लाइन में आते हैं? 81 की लाइन में आते हैं, तो हमको 81 की लाइन बोलना है। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो 88 के बाद क्या आया? 89। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे क्या है? 94। अब 94 किसकी लाइन में आती है? 91 की लाइन में आती है, उसके लिए हमें 91 की लाइन बोलना है। हम 91 की लाइन बोलेंगे 91, 92, 93, 94, 95। तो यहाँ पे क्या आया? 95। नेक्स्ट नंबर 99। 99 कौन सी लाइन में आते हैं? 91 की लाइन में आते हैं, तो हम 91 की लाइन बोलेंगे। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100। 99 के बाद क्या है हमारा? 100, 100। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स कम इन बिटवीन। बिटवीन का मीन्स होता है बीच में जो नंबर्स आते हैं, इन दोनों के बीच में वो वाले नंबर हमको लिखना है। ओके, यहाँ पे लिखा है 83। 83 हम कौन सी लाइन में आते हैं? 81 की लाइन में आते हैं, तो हम 81 की लाइन बोलकर भी इन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो 81 की लाइन हम बोलेंगे 81, 82, 83, 84, 85। ओके, हमारे नंबर्स हैं कंप्लीट हो गए, 83, 84, 85। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 91 लिखा है, तो 91 की लाइन हम बोलकर इन नंबर्स को लिख सकते हैं। 91, 92, 93, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 92 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 92 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? 95। उसके लिए हम 91 की लाइन बोलकर इन नंबर्स को लिख सकते हैं, बीच के नंबर। ओके, 91 की लाइन हम बोलेंगे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। ओके, नेक्स्ट नंबर देखो, यहाँ पे क्या है? 98 है, तो 98 के लिए हम 91 की लाइन बोलेंगे। 98, 91 की लाइन में ही आते हैं। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100। तो यहाँ पे क्या आएगा? 99। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द न्यूमरल्स। यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है, हमें इनके नंबर्स लिखना है। ओके, हम स्पेलिंग बोलकर इनके नंबर्स लिख सकते हैं। इनको बोलेंगे ई आई जी एच टी वाई ए टी एफ आई वी ई 5, 85। तो यहाँ पे कौन से नंबर आएगा? 85। तो 85 हमको यहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? ई आई जी एच टी वाई ए टी एन आई एन ई 9, 89। स्टूडेंट्स, आपको स्पेलिंग भी अच्छे से राइट करना है और लर्न करना है। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी एन आई एन ई टी वाई 90 एफ ओ यू आर। स्टूडेंट्स, आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न होगी तो आप इनके नंबर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमको इनकी स्पेलिंग भी लर्न और राइट करना है। ओके, स्पेलिंग है हमारी एन आई एन ई टी वाई 90 एफ ओ यू आर 4, 94। तो हमको यहाँ पे 94 लिखना है। नेक्स्ट स्पेलिंग एन आई एन ई टी वाई 90 ई आई जी एच टी 98। तो यहाँ पे आएगा 98। नेक्स्ट स्पेलिंग एन आई एन ई टी वाई 90 एन आई एन ई 9, 99। यहाँ पे हम लिखेंगे 99। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नंबर नेम। हमको यहाँ पे ये जो नंबर लिखे हैं, इन नंबर्स की स्पेलिंग राइट करना है। ओके, नंबर से हमारा फर्स्ट नंबर है 83। 83 की स्पेलिंग हम लिखेंगे ई
आई जी एच टी वाई, ए टी थ्री की स्पेलिंग लिखना है, टी एच आर डबल ई 83। नेक्स्ट नंबर है 86, तो यहाँ पे आपको 86 की स्पेलिंग राइट करना है, ई आई जी एच टी वाई 86। नेक्स्ट नंबर इज 91, 91 की स्पेलिंग राइट करना है आपको, एन आई एन ई टी वाई 91। नेक्स्ट नंबर इज 94, 94 की स्पेलिंग राइट करेंगे हम, एन आई एन ई टी वाई 94। नेक्स्ट नंबर इज 100, तो 100 की स्पेलिंग आपको यहाँ पे राइट करना है, एच यू एन डी आर ई डी 100। ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा है आपकी नोट कॉपी में से नोट करना है और इसकी पिक व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। ओके, थैंक यू।